हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। तो देखिए, अभी प्लांट की हालत बहुत ख़राब है मेरी। अलग अलग पार्ट में रखा हुआ है सभी प्लांट। ये देखिए, इधर ईंट रखा हुआ है और इधर भी, और सभी प्लांट देखिए अलग अलग पार्ट में रखा है। उधर उस पार जाऊंगी तो उधर का प्लांट दिखाऊंगी। तो सभी इकट्ठा करके रखा हुआ है प्लांट, और कुछ प्लांट मैंने लाया है नर्सरी से, उसे मैं शेयर करूंगी आप सभी को। देखिए, ये बेगुनिया मैंने लाया है, इसको मैंने लगा दिया है क्योंकि अभी तो पॉट वॉट मिल नहीं रहा है मुझे। और ये सिनेरेरिया प्लांट है, ये भी अभी तक लगाया नहीं है मैंने, ये भी रखा हुआ है। और ये देखिए, गजनिया लगाया है एक प्लांट, और इधर मैंने डहलिया एक प्लांट लगाया है देखिए वहाँ। और जो पहले वाले प्लांट थे वो भी चल रहे हैं, लेकिन उतना खास नहीं चल रहे हैं। ये देखिए, कुछ प्लांट सूख गए हैं ये देखिए, क्योंकि ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं। कभी इधर रखना पड़ रहा है तो कभी इधर, कभी टहनी टूट जा रही है। देखिए, ये भी प्लांट मेरे ख़राब हो गए हैं। और ये कलांचो है, ब्लूम कर रहे हैं, एक पिंक है और एक येलो। और जो मैंने पहले प्लांट लगाया था वो सभी चल रहे हैं। ये रोज़ प्लांट मैंने लाया था, वो भी चल रहे हैं। और अभी भी मैंने जो ग्रो किया है, इसे 2 दिन ग्रो किए हुए हो गया है पिटूनिया। 2 प्लांट मैंने एक ही पॉट में लगा दिया है। और तो ऐसे करके मेरे प्लांट रखे हुए हैं। देखिए, पानी भी अच्छे से मैं दे नहीं पा रही हूँ। और ये देखिए, नस्टेशियम ये भी लग चुके हैं, इसमें फ्लावरिंग हुई थी। और ये देखिए, इसमें फ्लावर बर्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से मेरा प्लांट सभी रखा हुआ है। देखिए, तो मैंने जो प्लांट लाया था वो मैंने आप सभी को दिखा दिया। चलिए, और भी प्लांट मैंने लगाया है वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हालत हो रखी है। ये देखिए, तो एक पार्ट में ये सभी प्लांट हैं। तो देखिए, मैं घुस नहीं पा रही हूँ, इधर कुछ ज़्यादा ही प्लांट रखा हुआ है। और उधर भी मैंने ग्रो किया हुआ है, सभी प्लांट ब्लूम कर भी रहे हैं। वो देखिए, उधर कॉस्मोस ब्लूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी ब्लूम कर रहे हैं, लेकिन मैं जा नहीं सकती क्योंकि सभी बिल्कुल ठसा हुआ प्लांट है, गमले सभी ठसा हुआ है। और नया प्लांट मैंने ले आया था, ग्रो किया हुआ है। देखिए, एक डहलिया प्लांट है यहाँ पे, और एक प्लांट ये देखिए, इसका नाम अभी मुझे नहीं याद है। और ये गजनिया लगाया है मैंने एक ही पॉट में, बड़े से पॉट हैं उसी में मैंने लगा दिया है, दिखा नहीं पा रही हूँ अच्छे से। और पहले वाले जो प्लांट थे, ये देखिए, डेंथस लग चुके हैं, ब्लूम भी अच्छे से कर रहे थे, लेकिन सीमेंट बालू जो पड़ रहे हैं इसके ऊपर, इसकी वजह से ये भी डिस्टर्ब है बिल्कुल। और ये डहलिया बहुत अच्छे से लग चुके हैं ये, और नए नए कई सारे ब्रांचेस निकाल चुके हैं। तो कुछ इस तरह से मेरे प्लांट की कंडीशन हो रखी है अभी। अब देखिए, इधर मैं दिखा रही हूँ, एक मैंने डहलिया यहाँ पे लगाया है और एक पिटूनिया भी लगा दिया है, दिखाती हूँ। ये देखिए, डहलिया की हाइट तो लंबी सी हो जाएगी और पिटूनिया नीचे अपना ब्लूम करेंगे। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए, कलांचो, जो देशी वाले कलांचो होते हैं ना, वो भी अब बर्ड्स बनाने लगे हैं। तो इस तरह से मेरे प्लांट सभी चल रहे हैं। आगे भी वीडियो शेयर करती रहूँगी, आप सबको दिखाती रहूँगी। तो देखिए, यहाँ से मैं निकल करके दिखा रही थी आपको। ये देखिए, सभी ठस के प्लांट रखा हुआ है, और इधर के जो प्लांट हैं, इधर जाने का रास्ता खोल रखे हैं। ये देखिए, लैंटर्न हिबिस्कस अच्छे से अब चल रहे हैं मेरे में, फ्लावर बोर्ड्स भी बने हुए हैं। तो देखिए, इस तरह से
और ये जो क्रिसेंथेमम है अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। ये देखिए अभी थोड़े थोड़े बर्ड्स भी बचे हुए हैं। और ये टमाटर लहसुन भी लगा हुआ है एक ही पॉट में। बहुत सारे लहसुन मेरे ख़राब हो गए थे तो मैंने इसी में डाल दिया था, लेकिन ये उग पड़े देखिए बहुत सारे। और यहाँ पे मैंने टमाटर लगाया है और गोभी को लगा दिया है, मुझे अच्छा लगता है लगाना तो इस बार मैंने लगाया है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरी ये गोभी प्लांट लगाना। टमाटर तो वैसे भी मेरे गार्डन में हर साल अपने आप ही उग जाते हैं और बहुत सारे टमाटर भी आते हैं। और यहाँ पे देखिए साल्विया रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे भी वीडियो शेयर करती रहूँगी जो भी होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।